सीएम की बेटी पर केस करने वाले की संदिग्ध हालत में मौत हुई फर्म को बिना काम एक करोड़ बहत्तर लाख देने का आरोप है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की बेटी वीणा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले आरडीआई एक्टिविस्ट गिरीश बाबू जिनकी उम्र सैतालीस साल थी कि सोमवार को सुबह काला माशेरी में अपने घर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई है गिरीश का आरोप था कि कोचिन मिनरल्स ने वीणा की आईटी फर्म को बिना काम के ही एक करोड़ बहत्तर लाख रुपए का भुगतान किया था विजिलेंस कोर्ट ने गिरीश की याचिका को खारिज कर दिया था इस पर गिरीश ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी हाई कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी गिरीश को सोमवार को कोर्ट जाना था उनकी पत्नी ने गिरीश को बिस्तर पर मृत पाया पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा